हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इस 9 वॉट के एलईडी बल्ब को बिना किसी मल्टीमीटर और बिना किसी सोल्डिंग आयरन की मदद से रिपेयर करने वाले हैं। ये जो एलईडी बल्ब है ये डेड हो गया है, सीरीज से हम आपको इसे चेक करके बताएंगे। तो इसको हम होल्डर में लगा लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रहा है, ये पूरी तरह से डेड है। हम आपको इसका डिफ्यूज़र हटा के भी बताते हैं। देखिए दोस्तों, ये पूरी तरह से डेड है। अभी इस कंडीशन में हम ना ही किसी मल्टीमीटर का यूज़ करेंगे, ना ही सोल्डिंग आयरन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमें सिर्फ चाहिए एक ये नाइफ और एक ऐसा वायर का टुकड़ा तो आपको मिल ही जाएगा। बस इस वायर के टुकड़े की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसमें ये पता लगाएंगे पहले कि हमारी डीसी आउटपुट बराबर आ रही है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके जो डीसी आउटपुट टर्मिनल हैं जहाँ पे ये दो वायर लगे हुए हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके देखेंगे। एकदम रखना नहीं है आपको, हल्का सा ऐसे इस तरह से शॉर्ट करके बस देखना है। तो देखिए इस तरह से स्पार्क आए तो समझ लो आपका डीसी आउटपुट सर्किट बिल्कुल ओके है, ड्राइवर सर्किट बिल्कुल अच्छी तरह से काम कर रहा है। तो इनमें से कोई ना कोई SMD खराब होगी। अभी देखिए यहाँ पर तो आपको इस तरह से देखिए एक SMD यहाँ पे, उसमें एक ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों क्या होता है, कई बार किसी SMD LED में ऐसा ब्लैक स्पॉट दिखाई देता है, उसके बाद भी जरूरी नहीं कि वही SMD खराब हो, उसके अलावा कोई दूसरी SMD भी खराब हो सकती है या एक से अधिक SMD भी खराब हो सकती हैं। तो फिर भी तरीका क्या है, आप ऐसे वायर से सभी SMD को ऐसे शॉर्ट करके आप ऐसे देख सकते हैं। तो जैसे ही आप उन्हें शॉर्ट करेंगे तो जो भी SMD खराब होगी उस पर, उसको आप जैसे ही शॉर्ट करेंगे तो ये LED बल्ब ग्लो करने लगेगा। तो देखिए हम आपको ये दिखाते हैं। देखिए इस SMD को हम शॉर्ट करेंगे तो बल्ब ग्लो करेगा। देखिए दोस्तों ये बल्ब ग्लो करने लगा, यानी ये SMD खराब है। अब देखिए दोस्तों, इसमें इस नाइफ की मदद से हम कैसे इसे ठीक करेंगे, हम आपको तरीका बताते हैं। पहले हम इसे ऑफ कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो भी SMD खराब होती है उस SMD को क्या करना है, उसे यहाँ से पूरा रिमूव नहीं करना है, उसे सिर्फ क्या करना है, इसका जो ऊपर का जो पीला वाला भाग है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सिर्फ इसको हमें यहाँ से रिमूव करना है। और इसके अंदर जो दो जो प्लेट होती हैं, मेटलिक जो प्लेट होती हैं वो हमें दिखाई देना चाहिए, उनको नहीं हटाना है हमें, ये ध्यान रखना है। इसको पूरी SMD को यहाँ से बिल्कुल प्लेट सहित नहीं हटाना है। तो देखिए अब हम आपको दिखाते हैं इसे कैसे करना है। इसको क्या करना है, ऐसे ऊपर से थोड़ा प्रेस करके सिर्फ जो ऊपर का पीला वाला भाग है उसको यहां से हटाना है। तो इस तरह से आप इसको इस तरह से, यदि इसको पूरा झटके से ऐसे करेंगे तो पूरा जड़ से ये निकल जाएगा, मतलब पूरा मेटल भी हट जाएगा, वो नहीं करना है हमें, नहीं तो ये बल्ब हमारा ठीक नहीं हो पाएगा। देखिए हम थोड़ा सा क्लीन करके आपको दिखाते हैं, बस आपको दूसरी SMD को बचाना है, वो डैमेज ना हो। देखिए अब ये हट गया हमारा ऊपर का पीला वाला भाग, इसे काफी सावधानी से हटाना है। देखिए अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा, देखिए इस तरह से इसका पीला भाग हटा लेना है। अब आपको देखिए दो मेटलिक प्लेट आपको दिखाई दे रही होंगी, देखिए इन दोनों को क्या करना है, आपको इस तरह से स्क्रैच करना है। देखिए अब मैं आपको इसे स्क्रैच करके दिखाता हूं, बस आराम से करना, आगे वाली और पीछे वाली LED को वो डैमेज ना हो, अच्छी तरह से स्क्रैच कर लेना है। थोड़ा पास से ऐसे पकड़ के, ऐसे पास से पकड़ के नाइफ को, बस ऐसे इस तरह से बस उसको स्क्रैच करना है। अब हम आपको इसे चेक करके दिखाते हैं।
देखिए दोस्तों, ये हमारा एलईडी बल्ब कितना अच्छी तरह से ग्लो करने लगा है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।